स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। जी तो प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं वर्ड कॉमर्स की, तो कॉमर्स में सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में जो आता है वो है बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस क्या होता है ये अगर हमें बता दें वहाज भाई तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, आसान उर्दू में। वहाज साहब, अगर आप मुझे जल्दी से अनम्यूट करके बिजनेस के बारे में बता दें तो बहुत शुक्रिया। कोई सा भी बिजनेस जिसका मुनाफा हो, फिर दोबारा कहेंगे एक बार, फिर कोई सा भी काम जिसका मुनाफा हो, कोई सा भी काम जिसमें मुनाफा हो। ठीक है, अच्छा इफ्रा आपकी टर्न है। सर बिजनेस ये है कि करते तो मुनाफे के लिए मगर उसमें नफा नुकसान दोनों होता है, तो ऐसा कोई काम जिसको मुनाफे के लिए शुरू किया जाए उसमें नुकसान भी हो। ठीक है, यानी कोई भी दुनिया का ऐसा काम जिसके करने का मकसद मुनाफा कमाना हो उसे बिजनेस कहते हैं। फिर जी के बाद अगर हम इन कामों को देखें कि दुनिया में किस किस तरह के काम हो रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं टाइप्स या एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस के। एग्जाम्पल्स, बिजनेस की एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने डिस्कस की हुई है, तो वो आपसे थोड़ा सा ज़रा जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लेंगे। वहाज ने तो जी, उकाशा अब आपको आवाज़ आ रही होगी डेफिनेटली मेरी, प्लीज अनम्यूट करें अपना माइक प्लीज। उकाशा आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, यानी माइक पर टैप करें वो अनम्यूट हो जाएगा, फिर आपकी आवाज मुझे आएगी। उसी माइक के बटन पर टैप करेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बस अब आप लेक्चर सुने ध्यान से, ठीक है। तो बिजनेस की बात की हमने उकाशा, सबसे पहले बिजनेस क्या है, दुनिया का कोई सा भी काम। और बिजनेस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे वो बिजनेस के लिए पढ़ेंगे, तो पहले हमें बिजनेस पता होना चाहिए। तो बिजनेस की एग्जाम्पल्स ये हम यस्टरडे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और मैं इसको इंतहाई तेजी से फोकस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस में हमारे पास मीट शॉप, मेडिकल स्टोर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्रूट सेलर्स, यानी ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस। गेटिंग माई पॉइंट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस। क्लोथ शॉप, डिजाइनर शॉप, बोनेंजा, कैम्ब्रिज, ये तमाम आइडियाज के नाम से जो है, ये तमाम जो है बेसिकली ये बिजनेस हैं। इसी तरह जर्नल स्टोर, इम्तियाज स्टोर, चेज अप, ये तमाम क्या हैं, ये भी बिजनेस है। मिल्क शॉप एक बिजनेस है, टेलर शॉप एक बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज और कंपनीज बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। जे डॉट एक बिजनेस का बड़े नाम है, एप्पल और सैमसंग भी बिजनेस करते हैं, डेल और एचपी भी बिजनेस करते हैं, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर, ये सब भी बिजनेस कर रहे हैं, बीबीसी, केएफसी, मैकडोनल्ड, इस तरह से हार्डीज, ये तमाम भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पिज्जा हट भी बिजनेस कर रहा है, और स्कूल्स और कोचिंग सेंटर भी बिजनेस कर रहे हैं। ये सब लोग काम करते हैं मुनाफा कमाने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, जिसका पहला दिन है वो बेफिक्र होके पूछ सकता है। जी शाजिया, आप अनम्यूट करके मुझे बताएं, आपको मेरी अभी तक बात समझ आई? मैं थोड़ा सा तेज गया हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल बात है, क्योंकि मुझे तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को ये पता हो कि वॉट इज बिजनेस एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? मैं फिर मूव फॉरवर्ड करूं, आगे टाइप्स के ऊपर बात करूं। अच्छा, तो अब मेरे बच्चों बात यह है कि मैंने यस्टरडे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास ली थी, तो जो बच्चे नहीं थे वो गौर से सुन लें, और जो वीडियो देखेंगे डेफिनेटली अगर वो क्लास में आकर पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन से पढ़ेंगे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी। सिर्फ वीडियो देखकर आपको बातें समझ नहीं आएंगी। अच्छा एक मिनट रुकिएगा ज़रा प्लीज। राशिद साहब, इसमें को होस्ट का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, क्योंकि जो है ये मेरा जो वर्जन है ये बेसिक वर्जन है ना, अगर वो होता मेरे पास जो कामरान साहब यूज़ कर रहे हैं वो वाला वर्जन, तो उसमें जो है को होस्ट बना सकते हैं, तो मैं इसमें को होस्ट नहीं बना सकता। हाँ ये है कि आप मॉनिटर सबको कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कौन हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने मेरी बात सुन ली होगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ अपनी, और हम देखते हैं कि यस्टरडे आई आस्क अ क्वेश्चन, आई पोस्ट अ क्वेश्चन एट योर साइड कि भाई
ये बताओ कि अगर दुनिया में सारे काम जो लोग कर रहे हैं, अगर हम उन्हें कैटेगराइज कर दें तो वो बन जाएंगी टाइप ऑफ बिजनेस, यानी हर किस्म की दुनिया में एक्टिविटी हो रही है और वो बिजनेस कहलाती हैं। तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप बिजनेस ना कहते हो? तो आपने इसका जवाब देना है। मैं वन बाय वन आपको कहूंगा अनम्यूट करने के लिए, आप अनम्यूट करें, और अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते, आपका माइक खराब है या प्रॉब्लम है, तो आप मुझे लिखकर जवाब भेज देंगे, ठीक है? मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, यस ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस, सही है? ये तमाम बिजनेस के एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ लिखे नजर आ रही हैं। अगर किसी को एतराज है तो वो कर ले कि नहीं सर ये तो बिजनेस नहीं होता, स्कूल बिजनेस नहीं होता, क्या स्कूल वाले पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं? माजरत के साथ, कोचिंग सेंटर वाले क्या फीस अबिल्ला पढ़ा रहे हैं? नहीं, हर किसी का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें दुनिया में बाहर, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम बाहर लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सब लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई और भी काम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो आपको लगता है कि बिजनेस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता? क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, दुनिया का कोई सा भी काम जिसके करने का मकसद, पर्पस क्या हो, अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाना, उसे बिजनेस कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जनाबे आली वहाज भाई से शुरू करते हैं और वो बताएंगे कि वहाज बताइए, क्या सब लोग बाहर दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं या कोई और कुछ और भी काम होता हुआ नजर आता है? जी अनम्यूट कर लें, शाबाश। नो सर, हम लोग बिजनेस तो नहीं कर रहे, जैसे फैशन डिजाइनिंग है या फैशन है। बाहज एक एग्जांपल चाहिए मुझे, एक से ज्यादा मत दीजिएगा वरना फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। बस मुझे एक एग्जांपल दें कि कौन बिजनेस नहीं कर रहा। फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर बिजनेस नहीं करता आपके ख्याल में? वो तो डिजाइन बना के बेचते हैं लोगों को, तो इसका मतलब है वो क्यों बेच रहा है, फ्री में दे दे लोगों को, सवाब कमाए, क्या ख्याल है? जी टीचिंग है तो इसका मतलब है फैशन डिजाइनिंग नहीं है, खत्म हो गई बात, सही है। अच्छा अब आप और कोई और बताना चाहेंगे? नो सर। अच्छा चलो सोचिए, आप वैसे बाहर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। एमन आपने रीज्वाइन किया क्लास को अभी? आप लेफ्ट हो गई थी मीटिंग से शायद। आप माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मुझे लिख के भेज सकते हैं जवाब। ओके आप म्यूट हो गई थी, देखें मैंने, जी जी ओके गुलफिशा, ओके मेरा बच्चा जी। अच्छा देखें मैंने दो बातें कही हैं एमन, मैंने पहली बात ये कही दुनिया का कोई सा भी काम जिसके करने का मकसद मुनाफा कमाना उसे बिजनेस कहते हैं, और फिर मैंने एमन ये तमाम एग्जाम्पल्स दिए मेरा बेटा के, गोश्त की दुकान, मेडिकल स्टोर, इम्पोर्ट माल बाहर से मंगवाना, माल बाहर भेजना, दिस इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्रूट सेलर, क्लोथ शॉप, ये सब जितने नाम लिखे हैं, आप ये वीडियो भी देख लेना, उसमें आपको ये रिपीट में आपको मिल जाएगा जो मैं बता चुका हूँ। आप वीडियो देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा मैंने क्या बात की, ये सब बिजनेस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाहर कौन ऐसा शख्स है जो हमें बिजनेस करता हुआ नजर नहीं आ रहा? तो मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में, आपसे पूछूंगा। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन करने किसके पास, मैं जा रहा हूँ जनाबे आली, और कौन है हमारे साथ मीटिंग में? वाज ने तो बता दिया लेकिन वाज का जवाब करेक्ट नहीं था। और शाजिया आप बताएंगी बेटा, लिखकर या अनम्यूट करके, जैसे आपको आसानी हो बताने में, कि आपके ख्याल में बाहर सब लोग बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, और अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो क्या है, वो क्या काम है जो लोग बाहर कर रहे हैं और वो बिजनेस नहीं है? शाबाश, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मेरे पास टाइम कम होता है, मेरे पास क्या, हर टीचर के पास 40 मिनट्स की क्लास है। अच्छा नहीं जानती आप, ओके, बाहर लोगों को तो देखा है काम करते हुए, बाहर जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए देखा है, या वो भी नहीं देखा मेरा बच्चा? देखिए मेरी क्लास ना इंटरएक्टिव क्लास है, मेरा सब्जेक्ट नया है आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर आप इंटरेक्टिव नहीं होके पढ़ेंगे तो आपको फिर फायदा नहीं होगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप बोलेंगे ये तो सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं सर, खुद ही पढ़ाते हैं खुद ही समझते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल अदब से ये बात समझा रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन रखना पड़ेगा, आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है, आइदर वो आप लिख के करें, चैट के जरिए करें, या फिर आप अनम्यूट करके करें, जैसे आपको मुनासिब लगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा तो चलें जी, आपने तो कह दिया कि भाई मुझे अंदाजा नहीं है,
और अब मैं जा रहा हूँ जनाब गुलफिशा के पास। गुलफिशा आप बताइए बेटा, आपके ख्याल में बाहर जो सब लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, क्या सब बिजनेस कर रहे हैं? नहीं सर, अच्छा, वेरी गुड। तो कौन ऐसे लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे? एक एग्जांपल देनी है बस, फिलहाल फिलहाल एक। जो जो लोग जैसे किसी की शॉप है, जो लोग काम कर रहे हैं जिनको सैलरीज मिलते हैं, वो उनका बिजनेस थोड़ी है, वो तो उनके जो मालिक है उनका बिजनेस हुआ। तो फिर जो काम करने वाले हैं, इसका मतलब है वो वहां मुलाजिम हैं, वो मुलाजमत करते हैं, इसका मतलब है ये मुलाजमत, तो वो ये उनका क्या कहलाएगा? ये उनका कहलाएगा प्रोफेशन, पेशा। क्या ख्याल है? जी तो इसका मतलब है मुलाजिम जॉब करता है, मुलाजिम मुलाजमत करता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस, उसे मिलती है लॉस उसके 1 महीने काम करने की फैमिली। सैलरी। एग्जैक्टली, इसका मतलब है दुनिया में सब लोग बिजनेस नहीं कर रहे। एक एग्जांपल आपने दे दी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, उकाशा ने मुझे लिख के भेजा, जॉब्स मतलब किसी जगह काम करना या बिजनेस, ये बिजनेस है। बिल्कुल सही बोल रहे हो उकाशा, लेकिन ये जवाब तो चले आपने भी लिख के पहले ही भेज दिया था मुझे, मैंने देखा था डेफिनेटली, तो मैं आपके जवाब को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन एक जवाब और सोचें आप, ठीक है? तो गुलफिशा आप भी एक आंसर और सोचिएगा। चलें जी, अब आ जाते हैं इफ्रा के पास और फिर जाएंगे आखिर में सबसे हम जनाब एमन के पास। जी इफ्रा, आप बताएंगी बेटा एक एग्जाम्पल मेरा बच्चा। सर, एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज जो अपना जो है काम करते हैं उसी की सैलरी लेते हैं, अपने काम की सैलरी लेते हैं, उनको ना कोई प्रॉफिट होता है, जो पूरा महीना वो काम करते हैं या दिन में करते हैं उसी की इफ्रा, सैलरी लेते हैं। इफ्रा मेरा बेटा, एम्प्लॉयज की बात तो गुलफिशा ने कर ली ना। एम्प्लॉयज, गुलफिशा ने बोल दिया कि जो कहीं मुलाजमत कर रहा है, जो कहीं नौकरी कर रहा है, उस वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो ये तो हो गया। इसके अलावा और बताओ ना, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, सोचो जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है भाई। एमन, आपके दिमाग में कुछ आ जाए तो आप बोल सकती हैं या लिख के भेज इसके सकते। अलावा सर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा। शाबाश, सोचो बाहर बाहर, जरा बाहर। अब सोचो कि तुम बाहर घूम रही हो तो तुम्हें कौन कौन लोग क्या क्या करते हैं नजर आते हैं, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जी एमन बेटा, आपको क्लियर है मेरी बात अभी तक? पहले ये बताएं, जो मैंने अभी तक कहा वो समझ आया? मैंने क्या समझाया? कि दुनिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, और जो मुनाफा कमाने के लिए काम करे उसे बिजनेस कहते हैं, ठीक है? अच्छा उकाशा, अब मसला ये है कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते। जब अनम्यूट नहीं कर सकते ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब का इंतजार करना। सही है, क्योंकि मैंने बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो ना हमें इंटरेक्टिव सेशन रखना है। अब आपने वाटर सप्लायर लिख दिया, तो वाटर सप्लायर हो सकता है पानी सप्लाई करने का ये काम करता हो, उसका कारोबार हो, या वो वाटर सप्लाई की जो दुकान पे काम करता हो, वहां से पानी उठा के अपनी बाइक पे रख के, अपनी गाड़ी में रख के लोगों के घर सप्लाई करता हो, तो ये उसका कारोबार हो, या वो मुलाजमत करता हो, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आपके पास माइक हो, तो ताकि आप हमसे बात कर सकें, आपकी थॉट सब लोग सुने, और फिर हम उसके ऊपर डिबेट करें, आर्गुमेंट, तो मजा आएगा पढ़ने का। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वाज भाई भी क्लास में है और उन्होंने जवाब दे दिया। वाज भाई, थैंक यू सो मच सर, आपने जवाब दे दिया सही, शुक्रिया। बैगर्स, भीख मांगने वाले लोग काम तो कर रहे हैं, भीख मांगना भी तो एक काम है बेटा, क्या ख्याल है? लेकिन भीख जो मांग रहे हैं वो ये काम मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते, उनको तो प्योर ये सारा पैसा मुनाफा होता है, लेकिन बेसिकली बैगिंग जो है वो बुनियादी तौर पर कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि बैगिंग, बैगर एक क्या है? प्रोफेशन, पेशा, ऐसा ही है ना? इज इट क्लियर? आप एग्री करते हैं मेरी बात से? एग्री करते हैं तो हैंड वेस करें, डिसएग्री करते हैं तो फिर आर्ग्यूमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन करें। हैंड रेज करना आता है आप सब लोगों को? शुक्र है, वाज भाई को तो आता है। हैंड रेज किस तरह होता है? अपने घर में हाथ खड़ा करके मत बैठ जाएगा, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया बच्चे को, अच्छा खासा नॉर्मल बच्चा था, हाथ खड़ा करके बैठा हुआ है यहाँ भी। जी अपने मोबाइल के ऐप में जाएं, राइट साइड पे कॉर्नर पे मोर के ऑप्शन में जाके देखें, और एक वीडियो जो मैंने लिंक आप लोगों को भेजी थी, वो वीडियो अपने पास अभी खोल लें, क्लास के बाद देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा जूम कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, अच्छा जी, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तब अब एमन आप बताओ, कोई एग्जाम्पल दोगी? शाबाश, जैसे आपको कंफर्ट हो। कोई ऐसे लोग हैं बाहर नजर आते
जो काम तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं है वो। जल्दी मेरा बच्चा, या तो अनम्यूट करके बोलो या फिर जल्दी से लिख दिया करो, टाइपिंग में फिर चैंपियन बन जाओ अगर अनम्यूट नहीं करना चाहते। अच्छा चलो, मजे की बात है, इतने बड़े इतनी सारी चीजें आप लोग सोच नहीं रहे, आप बाहर निकल नहीं रहे घर से, आप लोग COVID-19 से इतना डर गए कि आप घर के अंदर ही बैठे हैं, आपकी सोच भी बाहर नहीं जा रही है। आप अपनी सोच को बाहर लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नजर आएगा। अच्छा जी, शाजिया कुछ दिमाग में आया बेटा शेयर करना है? कुछ दिमाग में आया मेरा बच्चा? नहीं, ओके। अब्दुल सत्तार ईदी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, वाजभाई फौजी जो है ना वो तो मुलाजमत करते हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, सही है, फ्री में वो लोग भी काम नहीं करते लेकिन वो मुनाफा भी नहीं कमाते, क्या ख्याल है? फौजी भी मुलाजमत कर रहे हैं, पुलिस भी मुलाजमत कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी मुलाजमत जॉब करती है। तो मैंने अर्ज किया अब्दुल सत्तार ईदी इतना बड़ा नाम, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, सही है। इसी तरह रोड पे किसी की बाइक खराब हो जाती है, रोड पर किसी की बाइक खराब हो जाती है, एक दूसरी बाइक वाला रोकता है अपनी बाइक और उनकी मदद करता है, तो ये भी तो एक काम है मदद करना। अब्दुल सत्तार ईदी के लोग भी तो मदद करते हैं। अबे गुलफिशा, मोची क्या फ्री में चप्पलें सीता है, हैं? बताओ। हाँ भाई बाकी सब बताएं, आपके ख्याल में कॉबलर जो है क्या वो कॉबलर पता है ना भैया, बोले तो मोची, मोची जो है जूते सही करने वाला, जूतों की रिपेयरिंग करने वाला, आपके ख्याल में क्या बिजनेस कर रहा है या नहीं? यस और नो सब लिख के भेजे मुझे फटाफट, सबके नाम से चेक करूंगा, कॉबलर बिजनेस करता है या नहीं। थैंक यू, थैंक यू काशा, थैंक यू वहाज, बाकी लोगों के जवाब क्यों नहीं आ रहे भाई? आप लोग इतना शर्माएंगे अगर इस तरह पढ़ने में, तो पढ़ लिया आप लोगों ने जी। शुक्रिया शाजिया, शुक्रिया इफ्रा, जिनका शुक्रिया अदा करना इसका मतलब है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, आपके आंसर्स एक दूसरे से शेयर नहीं होते। थैंक यू एमन, और कोई बचा? कोई भी नहीं बचा, शुक्रिया आप लोगों का। तो मेरे प्यारे बच्चों बात इतनी सी है कि भाई कॉबलर तो बिजनेस कर रहा है, वो तो अपना मोची की दुकान खोलता है, वो अपनी दुकान खोलता है आगे, वो जूतियां सीता है लोगों की, जूते सही करता है, बैग सही करता है, इस बात के पैसे लेता है और वो ये काम मुनाफा कमाने के लिए करता है, सही है, ठीक है। इसी तरह एक चिंची चलाने वाला, चिंची समझते हैं आप, चिंची आजकल बड़ी मशहूर है कराची में, चिंची, तो चिंची चलाने वाला क्या, अभी तो कोचिंग सेंटर खैर इस तरह से बंद है, फिजिकली आप नहीं आते, लेकिन जब आप कोचिंग सेंटर पढ़ने आएंगे तो क्या आप कोचिंग, जब चिंची वाले को आप बोलेंगे मुझे कोचिंग जाना है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो बोलेगा हाँ हाँ आओ आओ बैठो मैं फीस अबिल्लाह छोड़ दूंगा, हैं? तो चिंची वाला चिंची क्यों चला रहा है बताओ, उसका दिल घबरा रहा है, उसको ठंडी हवा खानी है क्या, क्यों चला रहा है बताओ, शाबाश। देखो तुम लोग अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर फायदा नहीं है, तुम्हारे जवाब के ऊपर ही तो क्लास होगी, तुम जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना अच्छा है। यस एग्जैक्टली उपाशा, जो चिंची वाला है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, वो बिजनेस कर रहा है, मेरा बच्चा वो मुनाफा कमाना चाहता है। सर अगर चिंची उसकी अपनी ना हो, उसमें खुद वो किसी के पास मुलाजमत करता हो, किसी की चिंची चलाता हो, तो फिर जिसकी चिंची है वो कारोबार कर रहा है, और वो जो चिंची चला रहा है वो ड्राइवर के तौर पे चला रहा है तो वो मुलाजमत कर रहा है। जैसे उबर और करीम देखी आप लोगों ने, उबर और करीम, अब आप बोलेंगे देखी क्या है भाई, ये तो कंपनियां है ना उबर और करीम, है ना, और आप इनकी गाड़ी बुक करवाते हैं, गाड़ी आपके पास आती है, तो क्या जरूरी है कि जो शख्स गाड़ी चलाता हुआ आया है वो उस गाड़ी का मालिक हो? कभी कभी मालिक भी चला रहे होते हैं, लोग अपने पैसे से अपनी गाड़ी खरीद कर खुद ही चलाते हैं, वो कहते हैं भाई हम पैसे कमाएंगे खुद, ऐसे भी लोग करते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है, जो ड्राइविंग जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी को बोलते हैं भाई आप मुझे गाड़ी दिलवा दें, मुझे गाड़ी दे दें, मैं आपको पैसे कमा के दूंगा रोजाना के इतने, उबर चलाऊंगा, करीम चलाऊंगा। इसका मतलब है कि बस अब ये अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए सब लोग, क्लियर हो गए कि जो उबर करीम अपनी गाड़ी चला रहा है वो बिजनेस कर रहा है, और अगर कोई शख्स उबर करीम की गाड़ी चला रहा है, यानी उबर और करीम उसने इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, लेकिन गाड़ी उसकी अपनी नहीं है, गाड़ी किसी और की है, तो वो पैसे कमाकर उस शख्स को ले जाके देता होगा ना, और वो शख्स उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देता होगा कि भाई इतने पैसे तुम्हारे, मुनाफे और नुकसान का कोई तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं। आई होप आपने मेरी बात को समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, बिजनेस है क्या आपके ख्याल में? अब्दुल सत्तार ईदी बिजनेस है आपके ख्याल में? जवाब दीजिए, यस और नो की सूरत में जवाब दें। अब्दुल सत्तार ईदी आप बिजनेस कहते हैं उसे,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिंदा हो गए हैं, थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल होने शुरू हो रहे हैं जी, सबके जवाब आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है अब्दुस्सतारी भी बिजनेस नहीं है मेरे बच्चों, तो फिर वो क्या है? उसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों जी बताइए, क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी एग्जांपल्स हम दे चुके हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और ऐड कर लूं, मेरा दिल चाह रहा है लिखने का। और वो एग्जांपल क्या है, अगर मैं 16 यहाँ पे लिख दूं उबर स्लैश करीम, और आप चाहें तो आप बाइकिया भी लिखवा सकते हैं, और इसके अलावा एयरपोर्ट कैब्स भी होती हैं, तो आप कुछ भी लिखवा सकते हैं इनअप। अच्छा अब मैं अगली बात कर रहा हूँ और आप सब लोग इसमें शामिल होंगे और आपके जवाब बड़े इंपॉर्टेंस रखेंगे मेरे लिए, ठीक है? और अगली क्लास में कोशिश करें, क्योंकि मुझे ये सुनने में आया था, मुझे ये लगा था, मुझे ये फील हुआ कि बच्चों को इंटरनेट का इशू होता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें वीडियो मिल जाए देखने के लिए। देखिए मेरा सब्जेक्ट बहुत इंटरेक्टिव है, अगर आप मेरे साथ क्लास में इस तरह यस सर नो सर और पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो आप घर पे बैठ के वीडियो नहीं समझ सकते, ये बात समझ लीजिएगा। अगर आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप यूट्यूब से वीडियो देख लें, आपको पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है कोचिंग सेंटर में देके, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इंटरेक्टिव क्लास होगी। आप मेरे साथ जब तक बात नहीं करेंगे, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो आप वॉइस के जरिए बात करें यहाँ अनम्यूट करके, तो इससे पता चलेगा आप मेरे लेक्चर को कितना अच्छा ग्रेस्प कर रहे हैं, कितना अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे वहाज आपकी बात समझ में नहीं आई कुछ के, कल स्ट्राइक थी, किस चीज की स्ट्राइक थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आई आपकी बात, कल नेट भी बंद हुआ था। अच्छा अच्छा हाँ, तो कल आपकी तरफ शायद नेट बंद हो, हाँ आप सही कह रहे हैं, पिछले वीक परसों, कल या परसों भी मेरा ख्याल है कोई नेट की स्ट्राइक हुई है, 7 बजे से 9 बजे तक कुछ ऐसा था मसला। चले बहरहाल आप लोग डेटा कनेक्शन यूज कर लिया करें, और अब इन तमाम हर्डल से तो हमें निमटना है। अच्छा अब मेरी अगली बात सुने, इफ्रा मुझे मदद करेंगी इंशाल्लाह, ये जितने कारोबार मैंने लिखे क्या ये दुनिया के सारे कारोबार हैं? क्यों भाई एमन, क्या ये ये दुनिया के सारे कारोबार हैं? एमन आपका जवाब भी चाहिए, इफ्रा थैंक यू आपने पार्टिसिपेट किया, क्या ये दुनिया के सारे कारोबार लिख दिए? नहीं। क्यों काशा भाई, क्या ये दुनिया के सारे कारोबार लिख दिए मैंने? नहीं लिखे। ओके, इसका मतलब है इसके अलावा भी पता नहीं कितने बिजनेस है ना। अच्छा अब काम की बात यह है कि मैं अगर इन सारे बिजनेस को कैटेगराइज करना चाहूं, ग्रुपिंग करना चाहूं, मैं चाहूं कि भाई इतने सारे बिजनेस को कैसे पढ़ेंगे, किस तरह स्टडी करेंगे, तो मैंने कहा बिजनेस की 3 टाइप हो सकती हैं। पूरी दुनिया के बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब आप एक एक लाइन में समाप्त फरमाएंगे अपनी क्लासमेट की आवाज में कि ये क्या क्या है। इफ्रा लेफ्ट तो नहीं कर दिया बेटा आपने क्लास? इफ्रा नो सर, चलें यस आई एम, बिस्मिल्लाह मैं बताऊं? यस। अच्छा ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का मतलब ये है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप एक जगह से प्रॉफिट दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट रख रहे हैं सामान। तो क्या जरूरी है कि पहुंचाएं? पहुंचाना जरूरी नहीं। फिर तो जरा थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दें इसको, ताकि और क्लियर हो जाए, वरना मुझे ऐड करना पड़ जाएगा। मैं चाह रहा हूं आपसे समझ जाए ना लोग। ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग बिजनेस मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह वो करना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सही तो कह रही हूं मैं। चलो अब मेरी बात सुनना, आपकी बात से ना थॉट ये आ रही है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, जबकि मैंने ये बताया था कि ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ऐसे कारोबार को कहते हैं जहां आप सामान खरीदें। जी गुलफिशा प्लीज चलें, इफ्रा अभी आप रहिएगा साथ, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। जी गुलफिशा प्लीज, ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वो होती है मतलब कि आपने कोई चीज खरीदी और ना उसे कोई यूज किए, ना उसमें कोई चेंजेस करे, आप उसको ही आपने किसी और को बेच दी, वो है ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। अच्छा अब ना बहुत अच्छा बता दिया आपने, आपका बहुत शुक्रिया।
लेकिन अब अगर आप दोनों मिलकर यहां से मार्क करवाएं कि कौन सा बिजनेस इस कैटेगरी में आएगा, तो काम बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, मैं नाम लेता हूं और आप पहले तीनों को डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं नाम लेता जाऊंगा, आप मुझे कैटेगरी लिख के भेजते जाना कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है? 1, 2, 3 करके सिर्फ 1 लिख के भेजना होगा, 2 लिख के भेजना होगा, 3 लिख के भेजना होगा। सही है, क्लियर? ओके। अच्छा इफ्रा, कल तो आप थी ना मेरा बच्चा, कल तो थी ना? कल थी, हाँ कल थी, मगर जब आपने एक्सप्लेन किया था, आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने ऐसा बताया था, इसने ही बताया था, गुलफिशा ने ही बताया था, तो मैंने आपसे नहीं सुना था। अब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आपने सुनना है गौर से, जहाँ कारोबार दुनिया में जहाँ कारोबार करने का अंदाज कुछ यूं हो कि हम सामान को खरीदें, सर सामान क्या, मर्चेंडाइज, गुड्स, गुड्स माने तिजारत का सामान, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तिजारत का सामान कुछ भी हो सकता है। आप फैन खरीदें बेचने के लिए, आप लैपटॉप खरीदें बेचने के लिए, आप कपड़ा खरीदें बेचने के लिए, आप चप्पलें खरीदें बेचने के लिए, आप जनाब ग्रोसरी जनरल स्टोर आइटम्स खरीदें बेचने के लिए, आप दुनिया की कोई चीज भी चीज खरीद लें, और किस नियत से खरीदें कि उसे आप बेचेंगे, तो आप उस सामान को कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स। तो मैं कह रहा हूं जब आप कोई मर्चेंडाइज या गुड्स खरीदें, क्या करने के लिए, उसी हालत में बेचने के लिए। क्या बोला? उसी हालत में बेचने के लिए। तो दुनिया में जो भी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के सामान खरीदते हैं और उसी हालत में बेचते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाता है, बोलें ट्रेडिंग बिजनेस। समझ में आई मेरी बात? पहले ये बताएं सब लोग, क्लियर है? यस और नो? हाँ यस और नो करते हैं बाकी लोग भी भाई, जिन लोगों के माइक नहीं चलते कम से कम, ताकि मुझे पता चल जाए मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ। शुक्रिया। अच्छा अब दूसरी कैटेगरी का नाम है, दूसरी कैटेगरी का नाम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये क्या है बेसिकली? वो तमाम दुनिया में काम करने वाले लोग जो सामान अगर खरीदते भी हैं तो उसी हालत में नहीं बेचते। मेरा ख्याल है एक मिसाल मैं दे दूं जल्दी से ट्रेडिंग की, क्योंकि वक्त खत्म हो जाएगा, फिर मैं कल आपको पूछूंगा एग्जांपल्स, ठीक है? तो मुझे ये बताएं, देखकर मेडिकल स्टोर क्या आपके ख्याल में ट्रेडिंग बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, यस और नो? जी तमाम लिख के भेजेंगे, आएगा आएगा। अच्छा लिख के भेजें प्लीज, क्योंकि मेडिकल वाला क्या करता है मेरा बेटा, मेडिकल वाला मर्चेंडाइज खरीदता है, मेडिसिन खरीदता है, दवाइयां खरीदता है, जिसे हम अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं गुड्स, मर्चेंडाइज, और वो खरीद के खा जाता है खुद ही सारी और बेहोश होके पड़ा रहता है, नहीं बल्कि एज इट इज बेच देता है, एज इट इज बेचता है, या आधी गोली खा जाता है फिर आधी बेचता है, नहीं वो एज इट इज बेचता है। इट मींस वो कौन सा बिजनेस कैटेगरी में आया, ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग, क्लियर? अच्छा अच्छा दूसरी कैटेगरी का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। इसकी मिसाल मैं ऊपर जाके नहीं दे रहा, ऐसी दे देता हूँ भाई। जब आप किसी रेस्टोरेंट बना के बेचते हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में क्या वो आप उसको बोलते हैं एक बिरयानी लेकर आ जाओ, तो वो बराबर में कहीं जाता है और वहां से बिरयानी ले आता है और बोलता है ये लोग खा लो शाबाश। आप बोलते हैं एक ब्रोश ले आओ, वो कहीं दूसरी दुकान पे जाता है वहां से ब्रोश लाता है और आपको खिला देता है, नहीं बल्कि वो ये सब चीजें अपने पास बना रहा होता है। तो क्या वो कुछ खरीद के नहीं लाता होगा? जी क्या वो कुछ खरीद के नहीं लाता होगा? गुलफिशा लाते होंगे, लाते होंगे, मिसाल के तौर पे चिकन खरीद के लाते होंगे, वो आटा खरीद के लाते होंगे, वो मसाले खरीद के लाते होंगे, और वो सब कच्चा ही आपको दे देते होंगे और बोलते होंगे लो खा लो, घर जाके बना के खा लेना। आप बोलते होंगे एक जिंगर बर्गर दो, तो वो आपको एक बन दे देता होगा और चिकन पीस दे देता होगा और केचप और इस तरह के सारे सॉस, और बोलता होगा घर जाके बना के खा लेना, नहीं बल्कि वो क्या करता है इन सबको जमा करके एक प्रोडक्ट बनाता है आपके लिए। इसका मतलब है वो बिजनेस किस तरह कर रहा है कि वो प्रोडक्ट बनाकर बेचता है, खरीद के वो भी लाता है लेकिन वो उसे उसी हालत में बेचता। जी जुमला कंप्लीट करें मेरा, वो उसी हालत में बेचता नहीं है, नहीं है। तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट की शक्ल चेंज कर देता है, वो बन को बन नहीं रहने देता, वो बन को बर्गर बना देता है, वो चिकन को चिकन नहीं रहने देता ब्रोश बना देता है, वो चिकन को चिकन नहीं रहने देता वो कढ़ाई बना देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भूख तो नहीं लग रही प्यारे बच्चों? लग भी रही कुछ नहीं कर सकता, ऑनलाइन वर्चुअल खाना खिलाऊंगा आपको हजम नहीं होगा। चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है? अच्छा आखिरी बिजनेस है सर्विस। मीटिंग किसी भी समय खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगली क्लास में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, लेकिन मैं सर्विस बिजनेस बोल रहा हूँ।
ऐसा कारोबार जहां कुछ बेचा ना जा रहा हो बल्कि लोगों को दी जा रही हो अपनी खिदमत। बताइए, मैं कुछ बेच रहा हूँ? कोचिंग सेंटर वाले कुछ बेच रहे हैं आपको? नो सर, कोचिंग सेंटर वाले बना रहे हैं कुछ? क्या कुछ बना के दे रहे हैं कि लोग नो खा लो? नहीं, बल्कि कोचिंग सेंटर वाले दे रहे हैं आपको अपनी सर्विसेज।